Assalamualaikum, welcome back to my channel. आज है हमारा बॉम्बे का थर्ड डे, सो आज हमको जाना है कुछ शॉपिंग के लिए और शाहरुख खान और सलमान खान का घर देखने भी जाना है और हाँ, मेरी सिस्टर इन लॉ जो जा रहे हैं यूके, उनको भी सी ऑफ करने जाना है, सो लेट्स गो। तो सबसे पहले आज हमको जाना था मनीष मार्केट और नाखुदा मोहल्ला, वहाँ पर हमने सुना है कि बहुत ही अच्छी शॉपिंग करने के लिए वो प्लेस है, तो दो जगह हमको सबसे पहले एक्सप्लोर करनी थी। तो सबसे पहले हम पहुंचे नाखुदा स्ट्रीट शॉपिंग करने के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ लेने के लिए। सो फाइनली सबसे पहले हम पहुंचे हैं नाखुदा स्ट्रीट, यहाँ पर जस्ट पहुंची हूँ। तो देखिए, मैंने देखा यहाँ पे वैरायटीज है, बैंगल्स की, पर्स है, वॉचेस है, ड्रेस वगैरह है, कुर्तीज है, वेस्टर्न वेयर है, बेडशीट्स वगैरह है, हर चीज़ मिलती है। तो पहले मैं एक्सप्लोर करती हूँ और सबके लिए कुछ ना कुछ लेना भी है, तो लेती हूँ और शॉपिंग मिलती हूँ शॉपिंग के बाद। शॉपिंग करते करते खाने का वक्त हो गया, सो हम पहुँचे होटल में और मैंने मोइन को बोला कि फट से ऑर्डर दे और जो चीज़ जल्दी आए वैसा वाला ऑर्डर दे। सो हमने ऑर्डर तो दे दिया और हम वेट कर रहे थे खाना आने का और बस उस बीच हम मस्ती कर रहे थे और मेरी मोइन के साथ बॉन्डिंग तो चलेगी, हम लड़ते भी इतना है और हमें साथ में मतलब मस्ती करना भी बहुत पसंद है और हम सबसे ज़्यादा लड़ते एक ही बात पर है, टीवी के रिमोट की बात पर, कि मतलब टीवी मैं देखूँ और वो देखे, और हमेशा की तरह लास्ट में जीतती तो मैं हूँ, क्योंकि हम लड़कियों के पास एक सबसे रामबाण इलाज होता है, वो है पापा। बस कुछ अगर हमारा वर्क ना कर रहा हो, लास्ट में बात नहीं मानते भाई, तो एक ही आवाज़ लगानी होती है, वो है पापा। तो बस सीधे से दे रिमोट मेरे हाथ में आ जाता है और हमेशा की तरह जीतती तो मैं हूँ और मोइन रह जाते हैं ऐसे ही रिमोट के बगैर। और कमेंट करके बताइए आप भी अपने भाई से लड़ते हैं। ये जो व्हाइट वाला बंगलो है ना, वो है लता मंगेशकर जी का बंगलो है वो। यहाँ पे अभी कलर काम हो रहा है इसलिए पूरा ऐसा आगे कवर कर दिया है, देखिए कितना अच्छा व्हाइट कलर से लग रहा है। ये है उनका बंगलो, बहुत ही अच्छा, रियल में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। बस इससे और थोड़ा आगे जाते हैं ना हम, तो हमें दिखता है अंबानी की लड़की का बंगलो, जो अंबानी ने उनकी बेटी की शादी के वक्त उन्हें गिफ्ट किया था। जस्ट ये रहा, देखिए ये है उनका बंगलो, पूरा मिरर वर्क हो चुका है, मतलब मिरर वर्क से बना है पूरा, आप देख सकते हैं ज्यादातर यहाँ पे मिरर का यूज किया गया था। और देखिए ये विराट कोहली का पुराने वाला फ्लैट, जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है वहां पर विराट कोहली पहले यहाँ पर रहता था, इन शॉर्ट अभी फिलहाल नहीं लेकिन पुराने वाला फ्लैट है ये। देखिए हम क्रॉस हो रहे हैं सीलिंग से और यहाँ का व्यू ना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आसपास पानी और बीच में ये सीलिंग और बनाया गया, बहुत ही अच्छे से बनाया गया ये, तो यहाँ पर भी बहुत मज़ा आता है। जो लोग बॉम्बे हैं उनको यहाँ पर एक बार तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये व्यू बहुत ही अच्छा होता है। ये ब्रिज ना 5.6 किलोमीटर लॉन्ग है और ये ब्रिज बैंड्रा और वर्ली को कनेक्ट करता है। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज एंड ऑल्सो ये इंडिया का फिफ्थ लार्जेस्ट ब्रिज है। काफ़ी लोगों को इस ब्रिज का रियल नेम नहीं पता होगा, इसे राजीव गांधी ब्रिज भी कहा जाता है, ऑफिशियल नेम इसका यही है, लेकिन अभी इसे सीलिंग ब्रिज से ही जाना जाता है। फाइनली हम पहुंच गए और कहीं नहीं द वन एंड ओनली मोस्ट विजिटेड प्लेस ऑफ बॉम्बे, जो है शाहरुख खान का बंगलो द मन्नत। देखिए सो मैं आ गई हूँ, यहाँ पर ना भीड़ लगी ही रहती है हमेशा, यहाँ ये बंगलो के सामने कोई ना कोई मतलब आता ही रहता है, पब्लिक कभी खाली नहीं होता, सब उसी वेट में कि शाहरुख खान आए और उन्हें दिख जाए, लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं, क्योंकि शाहरुख खान उसके बर्थडे पर और शायद कभी मूवी रिलीज होती है या ईद के मौके पर ही वहाँ ये सामने जो आपको दिख रहा है ना वहाँ पर आते हैं और अपने फैंस को मिलते हैं। यहाँ पर सब ऐसे फ़ोटोशूट्स कराते हैं मन्नत के साथ, तो सोचा मैंने सोचा कि मैं भी करा लूँ एक आध फ़ोटोशूट, सब कराते हैं इसलिए। और ना शाहरुख खान के बंगलों के सामने चाट वाला खड़ा रहता, तो हमने वहाँ से ये सेव पापड़ी चाट ली थी, जो बहुत ही टेस्टी थी, खट्टी मीठी थी, बहुत ही यमी थी,
क्योंकि भूख लगी थी तो हमने ये खाई सबसे पहले, और फिर हमने थोड़ी सी पानी पूरी भी खाई, वो भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद हम पहुंचे मेरे सबसे फेवरेट हीरो सलमान खान के घर, द गैलेक्सी अपार्टमेंट्स। देखिए सलमान खान यहाँ पर आते हैं ईद के मौके पर, उनकी फिल्म रिलीज होती है तब, और उनकी बर्थडे पर। सो मुझे बॉम्बे, मेरा ऐसा ड्रीम था कि जब भी मैं बॉम्बे आऊँ तो यही यहाँ पर तो ज़रूर ही आऊँ। सो बस मैं यहाँ पर आ गई, सलमान खान को तो नहीं देख पाई लेकिन हाँ उनका घर ज़रूर देखा मैंने, और बस इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो आगे सलमान खान को भी देख लेंगे। को जाना था एयरपोर्ट पर मेरी सिस्टर इन लॉ को सी ऑफ करने, तो सबसे पहले तो हम पहुँचे खाना खाने के लिए प्रशान दरबार में, और फिर हमको पहुँचना था एयरपोर्ट, तो हम पहले गए खाना खाने के लिए। प्रशान दरबार में हम आए खाना खाने, सो मिलती हूँ खाना खाने के बाद। और ना ये पूरी होटल का इंटीरियर है ना टर्की स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है, यहाँ की ना हर छोटी से छोटी चीज़ टर्की स्टाइल में ही, टर्की स्टाइल को ध्यान में रख के डिज़ाइन की गई है। मैं आपको पूरी होटल दिखाती हूँ। ये होटल ना पूरी टर्की स्टाइल में डेकोरेट की गई थी, मतलब इसका इंटीरियर ना पूरा उस टाइप से डिज़ाइन किया गया था, बहुत ही मस्त डिज़ाइन किया था। देखो मैं आपको आगे बता रही हूँ। वेट, सबसे पहले तो हमने ऑर्डर दिया, भूख इतनी लगी थी तो सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो देखिए ये है पूरा उसका इंटीरियर होटल का, काफ़ी अच्छे से इंटीरियर डिज़ाइनिंग हुई थी, देखिए पूरा टर्की स्टाइल में है। और यहाँ पे सब वेट कर रहे थे, बातें कर रहे थे। देखिए हमारा स्टार्टर्स आ चुके हैं। आई मस्ट से यहाँ का खाना ना बहुत ही टेस्टी था और बहुत ही यमी था, सो एक बार तो यहाँ पर विज़िट करना चाहिए। और ये स्पेशली ना मुझे ये केप्सा राइस ना बहुत पसंद आए, मैंने नाम सुना था इसलिए मुझे टेस्ट करने थे तो मैंने ऑर्डर किया, और लिटरली ना बहुत ही टेस्टी थे ये राइस, तो मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। पूरा खाने से मतलब जो मज़ा आया ना मुझे, वो इस राइस में आया था। और देखिए हाथ लास्ट में ऐसे हाथ हमको धुलाते हैं, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ये वाला स्टाइल भी कुछ यूनिक था तो बहुत मज़ा आया। मेरी सिस्टर इन लॉ को सी ऑफ करने, आज बहुत रोना धोना होने वाला है गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर इट। कुछ गुड बाइज बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं लेकिन फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर के लिए करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स बेसिकली बॉम्बे आने का पर्पस ही मेरा यही था, मेरी सिस्टर इन लॉ जो यूके जा रहे हैं उनको मैं सी ऑफ करने के लिए हम बॉम्बे आए थे स्पेशली, तो घूमना भी होगा। सो उमामा मेरे लिए सिस्टर इन लॉ तो बाद में है लेकिन पहले मेरे लिए बहन जैसे हैं, हम दोनों साथ में बहन जैसे ही रहते थे, तो मुझे तो बहुत ही याद आएगी उनकी। लेकिन उनके फ्यूचर के लिए जो करना पड़ता है वो तो करना ही पड़ेगा ना, सो बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे और उनके नसीब बहुत अच्छे करे और उन्हें लाइफ में आगे बहुत सक्सेस मिले इंशाल्लाह। आमीन। आप सब भी दुआ कीजिएगा और बस आसानी से अच्छे से पहुंच जाए और खुश रहे हमेशा। सो मामा का चेक इन हो चुका है, वो बैठ चुके हैं फ्लाइट में और हम भी वापस होटल की ओर जा रहे हैं। और देखिए ये है बॉम्बे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बहुत ही अच्छे से बनाया गया था और बहुत ही क्लीन था और बहुत ही हाइजीन तरीके से मेंटेन भी किया गया था,
और यहाँ पे ना रिसेंटली हमारे जाने के बाद आफ्टर 2 आवर्स ना सलमान खान दुबई जाने के लिए आए थे, सो वो मेरा मिस हो गया। मैंने देखा पेप्स के न्यूज़ पर कि ना वो यहीं से गए, लेकिन हम निकल गए थे कुछ 1-1.5 बजे के करीब और वो आए थे 3 बजे के करीब, सो ना मिस हो गया, वरना मैं उन्हें देख पाती। और वैसे भी मेरा ड्रीम था उनको देखना, लेकिन शायद बेटर लक। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।